क्या आप जानते हैं नहाने के भी कई नियम होते हैं। ऐसा नहीं आप बाथरूम में गए, डब्बे में पानी भरा, अपने ऊपर उड़ेल लिया। आज आपको यही बताएंगे। देख रहे हैं आप वैदिक टीवी, सभी का स्वागत है। राधे राधे। हिंदू धर्म में व्यक्ति की दैनिक क्रिया से लेकर महत्वपूर्ण काम को करने के लिए कई नियम और उपाय बताए हैं, जिन्हें अपनाने पर व्यक्ति को सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सनातन परंपरा में किसी भी काम को करने के लिए तन और मन से पवित्र होना जरूरी कहा गया है। इसके लिए हर कोई हर रोज नहाता है, नहाने के नियम है। लेकिन क्या आप जानते हैं नहाने के लिए भी कुछ नियम ऐसे होते हैं जिनका पालन करना जरूरी है। नहाना कब है, कब नहीं नहाना, क्या बिना कपड़ों के नहाना ठीक है या नहीं, किस काम को करने के तुरंत बाद नहीं नहाना है, आज आपको इसी बारे में बताएंगे। शुरुआत करते हैं कब और कैसे करें स्नान। शास्त्रों के अनुसार हर इंसान को हर रात की बजाय सुबह स्नान करना उचित है। हिंदू मान्यता में सुबह उठकर स्नान करने से आदमी खुद के अंदर सकारात्मक ऊर्जा महसूस करता है। हर रोज घर या फिर बाहर किसी नदी या सरोवर में स्नान करते समय व्यक्ति को शुभता और सौभाग्य के लिए गंगा च यमुना च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधिम कुरु मंत्र का जाप करना चाहिए। लेकिन आप अगर बाहर नहाएं और घर में भी नहाएं तो आपको इस मंत्र का ही जाप करना है। मंत्र जरा मुश्किल है, लेकिन आप धीरे धीरे इसे सीख जाएंगे। हिंदू मान्यता के अनुसार स्नान करने के बाद अच्छे स्वच्छ वस्त्र पहनने ही जरूरी हैं। नहाने के बाद पहले पहने गए कपड़ों को दोष माना गया है। अगर आप ऐसा करते हैं, नहाने के बाद आप पुराने ही कपड़ों को पहन लेते हैं, तो इससे आपके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा बन जाएगी और फिर नुकसान होने की आशंका रहेगी। सनातन परंपरा में पूजा पाठ को बहुत ज्यादा पवित्र काम माना जाता है, इसे करने के लिए नहाना बेहद जरूरी है। ऐसे में बिना नहाए ना तो पूजा पाठ करें, ना ही पूजा से जुड़ी किसी चीज को छुएं। मान्यताओं के अनुसार कभी भी भूल कर भी खाना खाने के बाद तो बिल्कुल ना नहाएं, बल्कि खाना खाने से पहले आप स्नान कर लें। सिर्फ धर्म ही नहीं, विज्ञान भी कहता है कि खाने के बाद नहाना नहीं चाहिए। कभी किसी दूसरे व्यक्ति के स्नान करने के बाद बचे हुए पानी से ना नहाएं। इस प्रकार व्यक्ति यदि कुएं या हैंडपंप पे नहा रहा है तो स्वयं पानी निकाल कर नहाए। अगर आप किसी पवित्र नदी या सरोवर में नहा रहे हैं तो आपको नहाने के बाद भूल कर भी अपने कपड़े उसमें नहीं भिगोने हैं और ना ही नहाते समय उसमें मूत्र या फिर मल का त्याग करना है। आजकल कुछ लोग ऐसे हैं जो नदी में जब स्नान करते हैं तो वहां पर ये सब कर भी देते हैं। कभी भी आपको निर्वस्त्र होकर नहीं नहाना है। आप चाहे अपने वॉशरूम में भी नहा रहे हैं, तब भी आपको अपने शरीर पर कपड़ा पहनना जरूरी है। इस नियम की अनदेखी करने वाले को पितृ दोष लगता है। नहाने के बाद ना तो पूजा के लिए फूल तोड़े और ना ही पूजा के बर्तन साफ करें। ये दोनों काम आप नहाने से पहले कर लें। इस वीडियो का उद्देश्य आप तक जानकारी पहुंचाना था। वीडियो में बताई गई बात कितनी सच्ची है उसकी पुष्टि हम नहीं करते और ना ही हम आपसे कह रहे हैं आप इन नियमों को आंख बंद करके माने। ये आपके विवेक पर आधारित है। वैदिक टीवी देख रहे थे आप। राधे राधे।